अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए, सबने दुआएं मांगी, जिस तरीके से एफ़र्ट्स की, आपकी मैं स्पेशली एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा। आज अल्लाह पाक ने जो हम स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2.5 महीने से, आज वो स्ट्रगल पूरी हुई है और आज बच्ची जो है वो 15 साल की एज उसकी आई है और इंशाल्लाह ताला अब केस हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आप सबकी दुआएं मज़ीद चाहिए आगे ताकि केस इसी तरह से चलता रहे और जो है हक सच की आज जिस तरह से जीत हुई है, अब मेरा ख्याल है पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि आज तो वो बाकायदा कल्प्रिट्स प्रूव हो गए हैं मेडिकली, तो अब उनको जो पुलिस उनका साथ दे रही थी जिस तरीके से, अब मेरा ख्याल है कि अब पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और बाकी की सेल्फियाँ जो हैं वो जेल के पीछे सलाहों के अंदर जाके लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए, सबने दुआएं मांगी, जिस तरीके से एफ़र्ट्स की, आपकी मैं स्पेशली एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा। आज अल्लाह पाक ने जो हम स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 2.5 महीने से, आज वो स्ट्रगल पूरी हुई है और आज बच्ची जो है वो 15 साल की एज उसकी आई है और इंशाल्लाह ताला अब केस हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आप सबकी दुआएं मज़ीद चाहिए आगे ताकि केस इसी तरह से चलता रहे और जो है हक सच की आज जिस तरह से जीत हुई है, अब मेरा ख्याल है पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि आज तो वो बाकायदा कल्प्रिट्स प्रूव हो गए हैं मेडिकली, तो अब उनको जो पुलिस उनका साथ दे रही थी जिस तरीके से, अब मेरा ख्याल है कि अब पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए और बाकी की सेल्फियाँ जो हैं वो जेल के पीछे सलाहों के अंदर जाके लेनी चाहिए।